नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज धनिया के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत दिन से लोग जो है धनिया के बारे में मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि धनिया में आगे क्या होने वाला है, या फिर उसकी आवक कितनी आ रही है, या फिर आगे जो है तेज़ी की तरफ ये जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो इसी के लिए ये वीडियो मतलब आप ही के लिए, क्योंकि आप जब जो क्वेश्चन करते हैं फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे तो जवाब देता हूँ, कुछ लोगों को शायद ये भी होता है कि भाई व्हाट्सएप पे आप जवाब नहीं देते हैं। तो देखिए, व्हाट्सएप पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जवाब नहीं देता, समय मिलता है तब जवाब ज़रूर देता हूँ। बाय द वे, समय अगर नहीं मिल पाता है तो उसका जवाब मैं वीडियो के अंदर दे देता हूँ, क्योंकि कमेंट मैंने देख लिया और उसका जवाब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे वीडियो में ही देना चाहिए, तो वीडियो में दे देता हूँ, जिससे कि आपके साथ साथ में सभी लोगों को ही पता चल जाए कि आपने जो कमेंट्स किया था वो क्या था और उसका जवाब क्या है। तो चलिए धनिया के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आपने दोस्तों कई दिनों से देखा होगा कि धनिया जो है कंटिन्यू शांति की तरफ चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स इसके अंदर जो है दिखाई दे रहा हो, इसके अंदर किसी तरह का मूवमेंट्स जो है अपने को दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी देखिए, हर कमोडिटी के अंदर हर आदमी की अपनी एक आशा होती है कि क्या ये आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हम इसको लें या ना लें। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम में आवक के हिसाब से अगर देखते हैं तो जिस हिसाब की आवक है उस हिसाब से इसकी डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि अगर बाजारों के अंदर अगर 100 बोरी आती है तो कम से कम 40 से 50 बोरी निकलनी बहुत ज़रूरी होती है। तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो आवक के हिसाब से जो है इसकी बिक्री जो है बिल्कुल भी नहीं है, डिमांड जो है बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आगे जाकर के तेज़ नहीं होगा, प्रेजेंट टाइम की बात है कि आवक ज़्यादा है और डिमांड भी जो है कम है। आने वाले समय के अंदर जो है इसके अंदर तेज़ी आ सकती है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य आपको रखना होगा प्रेजेंट टाइम को देखते हुए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो है अपन ये सोच नहीं सकते कि इसके अंदर कोई मूवमेंट ज़्यादा जो बन सकता है, जैसा आप लोग हमेशा अपना विचार करते हैं कि कैसा मूवमेंट इसके अंदर रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मूवमेंट थोड़ा सा तेज़ी के अंदर चाहिए होता है, थोड़ा और ज़्यादा तेज़ी के अंदर चाहिए होता है, तो वैसा मूवमेंट इसके अंदर नहीं बनेगा। लेकिन मामूली मूवमेंट जो है इसके अंदर बनता रहेगा हल्का फुल्का, अगर उसके हल्के फुल्के के साथ में चलना चाहें तो आप इसके अंदर चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम के अंदर आवक भी ज़्यादा है जो मैंने आपको बोला है, और आवक के हिसाब से जो है डिमांड भी बिल्कुल भी नहीं है। जब ये दोनों चीज़ें ही नहीं है तो आप ये सोच सकते हैं कि ज़्यादा ज़बरदस्त तेज़ी जो है हम लोग इसके अंदर प्रेजेंट टाइम में नहीं देख पाएंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये है कि भाई आवक भी बहुत है और डिमांड भी नहीं है, तो ऐसे समय में क्या माल लेना चाहिए या फिर हम लोगों को माल नहीं लेना चाहिए, या फिर है अपने पास में उसको निकाल देना चाहिए। तो देखिए, ऐसे समय के अंदर क्या विचार आप लोगों को करना होता है, क्योंकि शायद ये वीडियो वो भी देख रहे हों जिनके पास में माल है, और ये वीडियो वो भी देख रहे हों जो ये माल खरीदना चाहते हैं, मतलब कि धनिया खरीदना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेचना चाहते हैं। तो देखिए, इस चीज़ का निर्णय आपको करना होगा, सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी है कि क्या सिचुएशन जो है धनिये के अंदर बनी हुई है और आगे किस तरीके की जो है बनी हुई रह सकती है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए आप अपना विचार इसके अंदर कर सकते हैं कि आगे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बेचना चाहिए या फिर आपको अभी ख़रीदना चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। बाय द वे, अगर आपको लगता हो कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किंतु और परंतु है आपके दिल में और दिमाग के अंदर, तो स्क्रीन पर नंबर है, आप मेरी पर्सनल एडवाइस ले लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर इसके अंदर राय दूंगा और ज़रूर मैं आपको बताऊँगा कि इसमें आगे आपको क्या करना चाहिए और कब तक जाकर के इसमें तेज़ी आने के चांसेज अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।